हेलो दोस्तों, इंडिया गेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 25 मार्च 2021 से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कल के जो वीडियो में जो क्वेश्चन किए थे दोस्तों उसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आप भी वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। हाल ही में बेस्ट छत्तीसगढ़ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बुलंद मेज को मिला है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कंटेनमेंट घोषित किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाए बी, कुरुत को किया गया है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण यहाँ पॉजिटिव लगातार मिल रहे हैं, इसी कारण इसको घोषित किया गया है। हाल ही में राज्य स्तरीय फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन की जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बस्तर में की जाएगी। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में CA की फाइनल परीक्षा में ऑल इंडिया में टॉप रहे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भ्रमर जैन रहे। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। CA फाइनल की परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर बने रायपुर के भ्रमर जैन उपलब्धि हासिल करने वाले छत्तीसगढ़ के पहले छात्र हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के निवासी भ्रमर जैन ने CA फाइनल ईयर एग्जाम में ऑल इंडिया रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया। चार्टर्ड अकाउंटेंट की फाइनल परीक्षा में ऑल इंडिया टॉपर बनने वाले छत्तीसगढ़ के पहले छात्र हैं। उनके परिवार में कई चार्टर्ड अकाउंटेंट है जिसे काफ़ी फायदा मिला, लेकिन इससे पहले IPCC की परीक्षा में भी वे देश में 8वां स्थान हासिल कर चुके हैं, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ राजधानी रायपुर के निवास करने वाले हैं भ्रमर जैन, जो हाल ही में CA फाइनल एग्ज़ाम में ऑल इंडिया पे टॉप किए हैं। दोस्तों अब रायपुर की बात आई है तो रायपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों रायपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो रायपुर खारून नदी के किनारे बसा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नया रायपुर 1862 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का संभाग बनाया गया। 1967 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन और प्रथम नगर निगम बनाया गया। औद्योगिक क्षेत्र उरला प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र ट्राईपोर्ट स्थित है, तो रायपुर में स्थित है। सिलतरा प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। सिलतरा में है साइकिल कॉम्प्लेक्स, एग्रो एक्सपोर्ट जोन, भानपुरी में अपरेल पार्क, रौभाटा में मेटल पार्क, तिल्दा राइस कॉम्प्लेक्स, पॉली पार्क। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक राइस मिलें कहाँ हैं? तो तिल्दा में हैं। अटल नगर नया रायपुर कुबेर भाटा और राखी गांव जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थित है। प्रसदा वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, प्रसदा में जो वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम है इसको नागार्जुन ट्रस्ट सेक्शन हैदराबाद द्वारा निर्मित किया गया है। प्रमुख संस्थान NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर में स्थित है। ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स ये रायपुर में स्थित है। पुरखोक्ति मुक्तगंज राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहजे एवं दर्शाने का प्रयास किया है। चंद्रखुरी कौशल्या माता मंदिर भारत का एकमात्र हटकेश्वर मंदिर जो रायपुर के खारून नदी के तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में शुष्क दिवस घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 29 मार्च को शुष्क घोषित किया गया है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य कर आबकारी विभाग रायपुर के अधिसूचना के अनुसार होली जिस दिन रंग खेला जाएगा 29 मार्च को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन जिले के समस्त देसी व विदेशी मदिरा दुकानें FM8 एवं मद भंडारण गाह बंद रहेंगे। मदिरा का विक्रय पूर्ण रूप से बंद रहेगा। उन्होंने शासन के आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। दोस्तों ये कहाँ शुष्क जाएगा? तो अंबिकापुर में मनाया जाएगा, अर्थात पूरे राज्य में इसको मनाया जाएगा। अब अंबिकापुर की बात आई है तो अंबिकापुर सरगुजा ज़िले का मुख्यालय है। अब सरगुजा की बात आई है तो सरगुजा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट
फैक्ट देखते हैं दोस्तों। सरगुजा की स्थापना 1948, मुख्यालय अंबिकापुर। सरगुजा किस नदी के किनारे बसा है? तो सरगुजा रिहंद नदी के किनारे बसा है। मुख्य चट्टान गोंडवाना क्रम, मुख्य खनिज कोयला भंडारण क्षेत्र लखनपुर, सेदू, सीतापुर, बिरजू, यहाँ से कोयला भंडारण है दोस्तों। दरिमा हवाई पट्टी अंबिकापुर, और औद्योगिक क्षेत्र नैनपुर, गिरिवंश, गंगा खुर्द। मांड नदी की लंबाई 155 किलोमीटर। सरभंजा जलप्रपात महानदी अफवाह तंत्र का भाग है। रिहंद नदी 145 किलोमीटर। छुरीमतिरंगा की पहाड़ी सोनगंगा अफवाह तंत्र का भाग है। सिंचाई परियोजना श्याम गुनगुट्टा परियोजना सरगुजा जिले में स्थित है। मुख्य पर्यटन पुरातत्विक ऐतिहासिक क्षेत्र देखते हैं। पर्यटन क्षेत्र मैनपाट, छत्तीसगढ़ का शिमला 1152 मीटर ऊंचा। यहाँ 1962 में तिब्बत शरणार्थियों को बसाया गया था। तकिया मुसलमानों का तीर्थ स्थल, स्थल ऐतिहासिक रामकालीन स्थल सीता बेगरा, विश्व का प्राचीन नाट्यशाला लक्ष्मण बेगरा, हाथी खोल, जोगी मारा गुफा, रामगढ़ की पहाड़ी, ये सब कहाँ हैं? तो सरगुजा जिले में स्थित है। जोगी मारा की गुफा मौर्यकालीन साक्ष्य किद्वंती अनुसार कालिदास के मेघदूत की रचना, रामगढ़ की पहाड़ी, सतबुड़ा पर्वत श्रृंखला छत्तीसगढ़ के प्रथम बायोटेक पार्क सरगुजा जिले में स्थित है। अप्रैल 2008 को सरगुजा संभाग का निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर आदि आते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम प्लास्टिक शहर अंबिकापुर में निर्मित किया गया। तो इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट फैक्टों को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में महाधरती दिवस कब मनाया जाएगा? उसका जन्म दिवस कब मनाया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 13 अप्रैल को। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। वर्ष प्रतिपदा के दिन धरती माँ का जन्म दिवस या दिन मनाया जाएगा। RSS छत्तीसगढ़ के प्रांत संचालक डॉक्टर पुरेदू सक्सेना ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 13 अप्रैल वर्ष प्रतिपदा यानी भारतीय नववर्ष के दिन पूरे देश में धरती माँ का जन्मदिन मनाया जाएगा। संघ का मानना है कि जब माँ बीमार रहेगी तब बच्चा खुश कैसे रहेगा। रासायनिक खादों के उपयोग के कारण आज धरती माँ बीमार होती जा रही है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में स्कॉच गोल्डन अवार्ड मिला है, तो इन में से किसको मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोधन न्याय योजना को मिला है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। गोधन न्याय योजना को मिला स्कॉच गोल्ड अवार्ड। रायपुर छत्तीसगढ़ सरकार की महान आकांक्षा गोधन न्याय योजना को पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस शानदार उपलब्धि के लिए देशवासियों के साथ कृषक कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को बधाई और शुभकामनाएं दी। 20 मार्च को नई दिल्ली में स्कॉच ग्रुप ने छत्तीसगढ़ को अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडिया गढ़।